सावन का मौसम आने ही वाला था। मीनू चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपना मजबूत घर बना रही थी। अच्छा हुआ मम्मा कि आप मजबूत लकड़ियों का घर बना रही हो, वरना इस बार भी बारिश में हमें भीगना ही पड़ता। हाँ मनु चिड़ी, ये घर बस बनने ही वाला है, परंतु देखो ना, छत की लकड़ियाँ खत्म हो गईं। मुझे अभी ही जाकर छत के लिए लकड़ियाँ लानी होंगी, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता, कभी भी शुरू हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके हमारा ये घर बन जाए, ताकि जब बारिशें हों तो हमें किसी तरह का कोई मसला ना हो। वे कालू कौवा और रानी कौवी बस हर समय अपने घोंसले में आराम ही करते रहते थे और वे दोनों बहुत ही आलसी थे। हाय रे कालू जी, जब से मेरी आपसे शादी हुई है आपने मुझे कोई सुख नहीं दिया। देखे तो जाकर कि जंगल के सारे पक्षी बरसात से बचने के लिए अपने पक्के घर बना रहे हैं और आप ही कि यहाँ घोंसले में पड़े हैं। वैसे आप बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। अच्छा रानी, किसी दूसरे को आलसी कहने से पहले खुद को देखना चाहिए। जब तुम शादी होकर आई थी तो मेरे कितने अरमान थे कि मेरी पत्नी मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाएगी, परंतु तुम तो मुझे बस बातें ही सुनाती हो रोजाना। कालू जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बस ऐसे ही गुस्सा हो गए। मैं तो बस इस बार बारिश से बचने के लिए आपको पक्का घर बनाने का कह रही थी। कालू जी, मेरे भाई ने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ तो भिजवा दी हैं, तो फिर आप घर बनाना क्यों नहीं शुरू करते? तुम तो जानती हो ना मुझे कि मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती, मैं बन घर कैसे बनाऊंगा। वैसे वो मीनू चिड़िया बहुत हिम्मत वाली है, उसका पति नहीं है, फिर भी उसने बड़ी मेहनत से अपना पूरा घर तैयार कर लिया, बस छत रह गई है। अच्छा चलो रानी, देख कर आते हैं कि मीनू चिड़िया ने अपना घर कैसा बनाया है। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था, वे मीनू चिड़िया को बेवकूफ बनाने के लिए उसके पास जाता है। और बताओ कालू कौवी, कैसे आना हुआ यहाँ पर? मान गया मीनू चिड़िया मैं तुम्हें, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो, तुम ये घर कितना ज्यादा सुंदर बना रही हो। हाँ कालू कौवी, हर बार तेज बारिश में हवा के कारण मेरा घर जमीन पर गिरकर टूट जाता था, परंतु इस बार मैंने अपना घर जमीन पर बनाया है ताकि मेरा घर न टूटे। बाकी सारा घर तो बन गया है, बस छत रह गई है। मैं अभी तोते से थोड़े पैसे उधार पर लेकर छत के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, मेरे होते हुए तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत है? मेरे पास लकड़ियाँ पड़ी हैं काफी, तुम मुझसे ले लो लकड़ियाँ और आराम से अपने घर की छत बना लो। और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा, क्योंकि हम तो दोस्त हैं ना, हम इस घर में साथ ही रहेंगे। तुम भोजन ले आना और मैं और रानी तुम्हारे मानो चिड़े का ध्यान रखेंगे सारा दिन। मीनू चिड़िया बहुत ही मासूम थी, वे फौरन से हाँ कर देती है और कालू कौवे की बातों में आ जाती है। बस कालू कौवा बड़ी ही चलाकी से अपनी लकड़ियाँ लाकर मीनू चिड़िया को दे देता है। अरे मूर्ख कालू जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरे भाई की दी हुई लकड़ियाँ आपने मीनू चिड़िया को दे दी, आप इतने अच्छे कब से हो गए? ओहो मेरी मासूम पत्नी, क्या तुम अभी तक अपने इस चलाक पति को पहचान नहीं सकी? बस एक बार मीनू चिड़िया हमारी दी हुई लकड़ियों से अपने घर की छत बना ले तो हम भी उसी घर में रहेंगे उसके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे घर पर हम कब्जा कर लेंगे। मीनू चिड़िया का पति तो है नहीं जो मीनू चिड़िया हमसे लड़ती फिरेगी। अरे वाह मेरे चलाक पति, क्या बात है आपकी। अगले दिन ही मीनू चिड़िया बड़ी मेहनत से अपने घर की छत बनाना शुरू कर देती है। शुक्र है भाई कि मैं अपना घर बनाने में सफल हो गई और आज मेरा पूरा घर बनकर तैयार हो गया। अब मुझे बारिश के मौसम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन जंगल में आंधी के साथ काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में तेज बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। कालू कौवे और मीनू चिड़िया का परिवार तो आराम से अपने बन घर में बैठे हुए थे। कालू कौवे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानी कौवे, तुम भी चलो मेरे साथ भोजन लेने। नहीं मीनू चिड़िया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक काम करो, आज मेरा और कालू जी का भोजन भी तुम ही ले आओ ना। हाँ मीनू चिड़िया, आज हमारा भोजन भी तुम ही ले आओ, कल रानी पक्का ढूंढ लेगी भोजन। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं तुम दोनों का भोजन भी ले आऊंगी। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और कालू कौवा और रानी कौवी आराम से सो जाते हैं। मानो चिड़िया भी सो रहा था, पर वे सोते सोते अचानक काफी डर जाता है और डर के मारे वे उठ जाता है। मामा मामा, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। मानो चिड़े की आवाज सुनकर कालू कौवे और रानी कौवी की आंख भी खुल जाती है। अरे दोस्त चिड़े, तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं कि मैं और रानी कौवी सो रहे हैं, तुम क्यों मामा मामा चिल्ला रहे हो?
कालू अंकल, मामा कहाँ है मेरी? मामा को बुलाओ, मुझे मामा के पास जाना है। मामा मामा की आवाजें सुनकर कालू कौवे और रानी कौवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कालू जी, मुझे इस मानो चिड़े की आवाज अब बहुत चुभ रही है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ कीजिए इसका। हाँ रानी, इसने तो बोल बोल कर सर में दर्द कर दिया, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में मानो चिड़े को घर से ही बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब रोते रहो चिल्लाते रहो मामा मामा, परंतु अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। बेचारा मानो चिड़ा तेज बारिश में भीग रहा था। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया भी वहाँ पर आती है। हायरे मेरे बेटे, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार हो जाओगी, मैं तो तुम्हें घर में सुला कर गई थी ना। मम्मा, कालू अंकल और रानी आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब हम घर में कैसे जाएंगे? उन्होंने तो दरवाजा भी बंद कर दिया है। क्या ये कालू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है? ये घर तो मेरा है, मैं अभी बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू कौवे दरवाजा खोलो फौरन, ये घर मेरा है, तुमने मेरे बेटे को घर से बाहर कैसे निकाला? लो जी, पहले इसका बेटा परेशान कर रहा था, अब इसकी माँ परेशान करने आ गई। एक बार कहा ना, ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। ये घर मेरा और रानी का है, क्योंकि इसकी छत मेरी लकड़ियों से बनी है। छत मेरी तो ये पूरा घर भी मेरा, तुम अपना जाकर कहीं और बंदोबस्त कर लो। धोखेबाज कालू कौवे, दरवाजा खोलो, मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। हाँ तो जब तुम्हें पता है कि मैं कभी नहीं सुधरने वाला, तो तुम मुझ पर हमेशा भरोसा क्यों कर लेती हो? नहीं खोलेंगे हम ये दरवाजा, अब बार बार हमें परेशान मत करो, सोने दो हमें आराम से। बस कालू कौवा और रानी कौवी दोबारा से आराम से सो जाते हैं। बेचारा मानो चिड़ा काफी देर बारिश में भीगने के कारण ठंड के कारण बेहोश हो जाता है। मीनू चिड़िया फौरन से उसे उल्लू वैजी के पास लाती है। उल्लू वैजी, देखिए ना मानो चिड़े को, लगता है बारिश में भीगने के कारण मानो चिड़ा बेहोश हो गया है। मीनू चिड़िया, तुमने मानो चिड़े को लाने में बहुत देर कर दी, मानो चिड़ा बेहोश नहीं बल्कि ये तो मर चुका है। ये सुनकर तो मीनू चिड़िया बहुत रोने लगती है। हाय रे, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, एक पल में सब खत्म हो गया। मानो चिड़े, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई, ना तो सोनू चिड़े हैं मेरे पास और ना ही मेरा बेटा मानो चिड़ा। कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सब इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये कहानी मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े की है, जो कि एक जंगल में रहते थे। इनका एक बेटा मानो चिड़ा भी था, परंतु सोनू चिड़े और मीनू चिड़िया को अपनी एक बेटी भी चाहिए थी। मीनू चिड़िया, काश हमारी सबसे पहले बेटी ही हुई होती तो कितना अच्छा होता। सोनू चिड़े, हमारा मानो चिड़ा भी बहुत अच्छा है, और बेटी का क्या है, अगर होनी होगी तो हो जाएगी। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जो कि मीनू चिड़िया के परिवार से बहुत चलता था। रानी, याद है ना तुम्हें, मैंने मीनू चिड़िया का सिर्फ एक हार ही चुराया था, तो मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े ने सब पक्षियों के सामने मुझे कितना मारा था। हाँ कालू जी, बहुत बुरा मारा था आपको पक्षियों ने, और एक महीने तक आप ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे। मैंने तो सोच लिया है कि जब तक मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को पक्षियों से नहीं पिटवाऊं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे कालू जी, मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा कभी गलत काम करते ही नहीं है, जो आप पक्षियों से उन्हें मार पड़वाएंगे। मैं झूठ बोलकर पिटवाऊंगा उन्हें रानी, कुछ भी करूंगा, लेकिन उनसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा मैं। कालू जी, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे हम मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को फंसा सकें? हाँ, एक बहुत ही बढ़िया उपाय सोच लिया है मैंने, बस अब मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को पिटने से कोई नहीं बचा सकता। बस फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपना उपाय बताने लगता है। बस उपाय बताकर कालू कौवा फौरन दूसरे जंगल चला जाता है। कहाँ ढूंढूं भाई, कहाँ ढूंढूं, आखिर में कहाँ ढूंढूं नन्ही सी चिड़िया? बस तभी कालू कौवे को सामने वाले घोंसले में एक नन्ही सी चिड़िया दिखती है। कालू कौवा उस नन्ही सी चिड़िया के फौरन पास जाता है। मेरे उपाय के मुताबिक ये चिड़िया एकदम ठीक है, बस मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा मुनमुन चिड़े की बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अपने घर पर ले आता है।
अरे वाह कालू जी, ये चिड़िया तो इतनी सुंदर है कि किसी भी पक्षी को इस पर फौरन से रहम आ जाएगा। हाँ रानी, तुम जाओ जाकर इस नन्ही सी चिड़िया के पापा मुनमुन चिड़े को बता दो कि मीनू चिड़िया तुम्हारे घर से नन्ही चिड़िया को किडनैप करके ले गई है। बस तब तक मैं ये नन्ही चिड़िया मीनू चिड़िया को देकर आता हूँ। बस फिर बड़ा मजा आएगा जब सारे पक्षी यही समझेंगे कि मीनू चिड़िया ने मुनमुन चिड़े की बेटी का किडनैप कर लिया है, और सब पक्षी मिलकर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को बहुत मारेंगे। फिर रानी कौवी दूसरे जंगल मुनमुन चिड़े के पास चली जाती है और कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ तुम्हारे पास। क्या बात है कालू कौवे, बताओ। अरे ये नन्ही सी चिड़िया किसकी है, ये तो बहुत प्यारी सी है। मीनू चिड़िया, ये नन्ही चिड़िया बोल नहीं सकती, और पता है एक हादसे में इसके मामा पापा की मौत हो गई है। ये तो अब बिल्कुल अकेली है। ये इतनी छोटी है कि खुद अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। ना जाने अब इस नन्ही सी चिड़िया का क्या होगा। कितनी प्यारी चिड़िया है ये, और इसके साथ कितना बुरा हुआ, मुझे तो सुनकर बहुत दुख हुआ कालू कौवे। मीनू चिड़िया, तुम्हें और सोनू चिड़े को तो वैसे भी अपनी एक बेटी चाहिए थी ना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस नन्ही सी चिड़िया को गोद ले लो ताकि तुम्हें अपनी बेटी मिल जाए और इस चिड़िया को अपनी जिंदगी मिल जाए। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो ये बहुत ही नेकी का काम कर रहे हो। देखना तुम्हें एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। हाँ कालू कौवे, ये नन्ही चिड़िया तो मुझे बहुत पसंद आई है। आज से ये नन्ही चिड़िया हमारी ही बेटी है, हम इसे पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। अरे मुनमुन चिड़े, तुम यहाँ इतने मजे से काम कर रहे हो और वहाँ अपनी बेटी को अकेले घोंसले में छोड़कर आ गए हो। पता है तुम्हारी बेटी को हमारे जंगल की मीनू चिड़िया किडनैप कर ले गई है। क्या, हाय रे मेरी सोनू चिड़िया। अरे रे, अब तो मैं मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो रानी कौवी, मुझे फौरन मीनू चिड़िया के पास ले चलो। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का परिवार बहुत खुश था क्योंकि अब उन्हें एक नन्ही सी चिड़िया भी मिल गई थी। और वहीं कालू कौवा जंगल के सब पक्षियों को जमा कर लेता है। रानी कौवी भी मुनमुन चिड़े को लेकर वहां पर आती है। कहाँ है मीनू चिड़िया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे अपनी बेटी वापस लेकर ही रहूंगा। बस मुनमुन चिड़े, मैं तुम्हें अभी मीनू चिड़िया के घर ले चलता हूँ, तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। और हाँ पक्षियों, मीनू चिड़िया ने आज मुनमुन चिड़े की बेटी का किडनैप किया है, तो कल को वे आपके बच्चों का भी किडनैप कर सकती है। चलो चलो आप सब भी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, हम मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखा कर रहेंगे। मैंने सोच लिया है पक्षियों कि मीनू चिड़िया की यही सजा है कि हम सब पक्षी मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को मिलकर बहुत मारेंगे और उन दोनों को मिट्टू महाराज के हवाले कर देंगे। हाँ पक्षियों, पहले सब मिलकर बहुत बुरी तरह से मारेंगे, उसके बाद हम मिट्टू महाराज को दे देंगे। हाँ हाँ, ये सजा एकदम ठीक है। चलो चलो मीनू चिड़िया के पास चलो। फिर सारे ही पक्षी मीनू चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे दुष्ट चिड़िया, शर्म नहीं आई तुम्हें, एक गरीब चिड़े की गूंगी बेटी का किडनैप कर लिया तुमने। हाय रे चिड़े भाई, आप कौन हैं और आप मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि मैंने इस नन्ही सी चिड़िया का किडनैप किया है। बल्कि मैंने तो ये नन्ही चिड़िया गोद ली है क्योंकि कालू कौवे ने ही मुझे ये नन्ही सी चिड़िया लाकर दी है। अरे बाप रे बाप मीनू चिड़िया, कितना झूठ बोलती हो तुम। शर्म करो, अब पकड़ी गई हो तो सारा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। पक्षियों, मैंने मीनू चिड़िया को ये नन्ही चिड़िया लाकर नहीं दी, ये एकदम झूठ कह रही है। कालू कौवे झूठ मत बोलो, आखिर तुम हमें क्यों फंसा रहे हो। नन्ही चिड़िया तुम मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारे बाबा हैं? नन्ही चिड़िया मुनमुन चिड़े को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन मुनमुन चिड़े के पास चली जाती है। देख लिया मीनू चिड़िया, कैसे मेरी बेटी मेरे पास आ गई फौरन। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ हाँ पक्षियों, आ जाओ मारो मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को। बस तभी वहाँ पर मानू चिड़ा और राजू कौवा जख्मी हालत में आते हैं। अरे मानू चिड़े, राजू कौवे, ये तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों इतने ज्यादा जख्मी कैसे हो गए? बाबा आज तो मैं मारा ही गया था, पता है आज मुझ पर बाजू चील ने हमला कर दिया था और वो मुझे बस मारकर खाने ही जा रही थी कि इतने में वहाँ पर मानो चिड़ा आ गया और मानो चिड़े ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की।
जिस कारण मानो चिड़िया भी इतना जख्मी हो गया। लेकिन हम जैसे कैसे बचकर यहाँ आ गए। अगर आज मानो चिड़िया मुझे न बचाता तो मैं आज मर चुका होता। ये सब छोड़ो भाई, सब पक्षियों आओ मारो मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को। अरे बाबा, आप मीनू आंटी को मारने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा, तुम्हारी मीनू आंटी ने मेरी बेटी का किडनैप किया है। इस कारण हम सब पक्षी मिलकर आज इस मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े को नहीं छोड़ेंगे। बाबा, आज मीनू आंटी के बेटे की वजह से मेरी जान बची और आप मीनू आंटी को ही फंसा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर मीनू आंटी के साथ? राजू कौवे की बात सुनकर सब पक्षी थोड़े हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कालू कौवा मीनू चिड़िया को फंसा रहा है? फिर राजू कौवा सारी बात सब पक्षियों को बताने लगता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुमसे अपना बदला लेना चाहता था, परंतु अब तो सच सबके सामने आ गया। इतना बड़ा झूठ! तुम दोनों ने हम पक्षियों से इतना बड़ा झूठ बोला। अब तो हम सब पक्षी ही मिलकर तुम दोनों को मारेंगे। पक्षियों पक्षियों, रुक जाओ, कोई कालू कौवे और रानी कौवे को नहीं मारेगा, क्योंकि इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप सब भी इन्हें माफ कर दें। मीनू चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी बिला वजह तुम्हें कितना कुछ कह दिया। फिर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कालू कौवा मीनू चिड़िया से बदला क्यों लेना चाहता था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।